ये जामुन का प्लांट है। जामुन को भी इस साल फ्रूटिंग आ रही है, वो सफ़ेद वाली जामुन है। और अभी ड्रैगन का अपडेट है, एक फ्लावरिंग हो चुकी है। पहले जो सेटिंग हुई थी उसमें से बहुत सारे फ्लावर्स फ्रूट में अभी सेट हो रहे हैं, और सेकंड ब्लॉट ऑफ बडिंग भी आ रहा है। ये दोस्तों ये अभी फ्लावर ये गिर जाएगा, और ऐसी बडिंग भी आ रही है, बहुत सारी बडिंग है। लगभग हर प्लांट पर हमें ऐसे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हर जगह पे आपको इस तरह के बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। और जो पहली बडिंग हुई थी, पहली फ्लावरिंग हुई थी, उनमें से बहुत सारे फ्रूट्स अभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये एप्पल का प्लांट है, इसको भी बहुत सारी फ्लावरिंग आई है। काफी सारे मैंगोज भी सेट हो चुके हैं। हमें मोस्टली हर जगह पर इस तरीके के बर्ड्स दिख रहे हैं। अभी कैसा है कि एटमॉस्फेयर एकदम उसके लिए अनुकूल हो चुका है। हर ब्रांच पे, लगभग हर प्लांट पे एक दो इनमें से अगर इस तरीके के दो दो बर्ड्स होते हैं तो उनमें से एक ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन एक तो भी इसमें से सेट होगा। तो अभी सेकंड लॉट काफ़ी अच्छा आया है। पहले लॉट में हमें ज़्यादा फ्रूट्स नहीं एक्सपेक्ट थे और इतने आए भी नहीं थे, क्योंकि वो एकदम ऑफ सीजनल था। ये भी दोस्तों ऑफ सीजनल फ्रूटिंग ही है, लेकिन इसे एकदम प्रॉपर एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है, क्योंकि इसमें बारिश काफ़ी दिनों से इसमें हमें बारिश दिखाई दे रही है। एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा है, टेम्परेचर भी एकदम 30 के मतलब 35 से ऊपर नहीं गया, लेकिन अभी 4-5 दिनों तक टेम्परेचर 45 तक जा सकता है। तो उसी कारण कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर ड्रॉपिंग दिखाई देगी, लेकिन फिर भी जो हमारे फ्रूट्स सेट हो चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो यहाँ पर इस तरह की जो बडिंग आई है, इनमें से एकाधा ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दो तीन बडिंग है, देखिए इसमें से ये वाला ड्रॉप हो चुका है। जहाँ पर ज़्यादा बडिंग है उनमें से एक एक बर्ड ऑब्वियस है कि ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन जो अच्छे सेट हो जाएंगे उनसे भी हमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। दोस्तों ये कम्प्लीटली ऑफ सीजनल फ्रूटिंग है। हमने इस तरीके से छाव के लिए ये क्रॉप भी लगाई थी, लेकिन दोस्तों इसकी भी कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये फ्लावर आप देख सकते हो, अभी ये इस कंडीशन में है। इसकी बाजू में ये बर्ड है, यहाँ पर फिर से बडिंग है। दोस्तों आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके एरिया में एटमॉस्फेयर कैसा है, और अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हो तो आपकी यहाँ पर अभी किस स्टेज में प्लांट्स है। आपको अगर कोई बडिंग मिलती है तो वो कितनी क्वांटिटी में है, और आपके एरिया में किस तरीके से मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ रही है। अब ये फूल पूरा सूख जाएगा और इससे हमें फ्रूट बना के देगा। बस दोस्तों आपको एक छोटा सा इतना ही अपडेट देना था। बाकी ग्रोथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। सनबर्निंग के भी कोई एकदम निग्लिजिबल यहाँ पर साइंस दिख रहे हैं, मतलब ना के बराबर। ये इस तरीके से छोटे बड़े बर्ड्स काफ़ी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। बस आपको ये बडिंग का एक अपडेट देना था। ग्रोथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है, एकदम हमें ग्रोथ दिख रही है। बारिश में बीच में जो हवाएं चलती है उससे थोड़ा बहुत इसमें नुकसान होता है, लेकिन फिर भी ग्रोथ इसकी स्टॉप नहीं हो रही है, क्योंकि हमने इसमें अभी एक जो फर्टिलाइज़र था जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया। ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ किया था, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले।
सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू।